अलगाववादियों का समर्थन कर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चौतरफा घिर गए हैं। कोई भी अन्य देश ट्रूडो के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब ट्रूडो के खिलाफ उनके ही अपने देश में आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में भारतीय मूल के नेता उज्जवल दोसांझ ने ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कनाडा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके उज्जवल दोसांझ ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर कनाडा में सिखों का एक छोटा सा समूह खालिस्तान चाहता है तो कनाडा में ही खालिस्तान बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सिख खालिस्तान नहीं चाहते। मैं इस साल की शुरुआत में मई में पंजाब में था और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि खालिस्तान की मांग करने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कभी भारत गए ही नहीं। बता दें उज्जवल दोसांझ भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म जालंधर में हुआ था। वे वर्ष 2004 से 2005 के बीच कनाडा के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उज्जवल दोसांझ के अलावा कनाडा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार से जुड़े व्यक्तियों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिखाए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने 19 सितंबर को कनाडा की संसद में जून के महीने में हुई अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर मढ़ा था और कहा था कि हमारे पास इसको लेकर विश्वसनीय सबूत है। पियरे कनाडा के प्रमुख विपक्षी दल कंजर्वेटिव के नेता हैं। इसी को लेकर पियरे ने ट्रूडो से इस मामले को लेकर और जानकारी सामने रखने को कहा है। पियरे का कहना है कि ट्रूडो को विश्वसनीय जानकारी सामने रखनी चाहिए जिससे कनाडा के नागरिक सही निर्णय ले सके। पियरे का कहना है कि ट्रूडो ने अभी इस मामले में तथ्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।